नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। संसद सुरक्षा उल्लंघन और मैसूर की भाजपा सांसद के खिलाफ आरोपों पर बोलते हुए भाजपा सांसद लहर सिंह सिरोया ने इस घटना में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कांग्रेस पार्टी की संलिप्तता का आरोप लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि यह संभव हो सकता है कि सिद्धरमैया के बेटे मैसूर संसदीय सीट से चुनाव लड़ना चाहते हों तो उनके समर्थन आधार पर बढ़ाने और वर्तमान सांसद को बदनाम करने की साजिश की वजह से यह ऐसा किया गया हो। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा सांसद लहर सिंह सिरोया। परसों जो घटना हुई है उस घटना ने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अर्बन नक्सलवाद को कितना प्रेशर दिया जा रहा है और विशेष तौर से हमारी कर्नाटक सरकार द्वारा, और ये अर्बन नक्सलवादी तत्व तो जो कर्नाटक की सरकार से पैसे लेकर के, क्योंकि वो मूल आधार मैसूर रहा है और वहाँ से ये लोग पनप कर आए हैं और उसी धन के आधार पर यहाँ अपना जाल फैला रहे हैं दूसरे राज्यों में भी। तो मुझे यह लगता है कि उनका बेटा जो है, उनका पुत्र यतीन्द्रा, डॉक्टर यतीन्द्रा जो वहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं मैसूर से, तो उनका आधार बढ़ाने के लिए और वहाँ के एमपी को बदनाम करने के लिए शायद किसी बड़ी साजिश के तहत किया गया है। जो सरकार की सेंट्रल एजेंसियां जो जांच कर रही हैं और उस जांच के दौरान कई बातें उभर के आएगी, तब इस बारे में सबको, देश को पता लगेगा। परसों जो घटना हुई है उस घटना ने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अर्बन नक्सलवाद को कितना प्रेशर दिया जा रहा है और विशेष तौर से हमारी कर्नाटक सरकार द्वारा, इसके लिए मैंने एक साल पहले अक्टूबर 2022 में भारत जोड़ो की यात्रा के दौरान मैंने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी और मैंने उनको सतर्क किया था कि हमारे पास ऐसी जानकारी आ रही है कि नक्सलवादी तत्व इसमें भारत जोड़ो यात्रा में इंतजाम में लगे हुए हैं और ये देश की सुरक्षा के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए भी ये खतरा है। ये मैंने पत्र के माध्यम से और ट्वीट भी किया था मैंने उस पत्र को जो मीडिया में है। और उसके बाद में अब जब सरकार बनी है इनकी, तो उसमें उन्हीं नक्सलवादी तत्वों को जो उनके गारंटी की स्कीम है उनके सर्वे करवाया और सर्वे में उसको बहुत पॉपुलर बताया, जबकि गारंटी का स्कीम प्रारंभ ही नहीं हुआ था। वही नक्सल तत्व जो हैं, जिनकी कोई एजेंसी, जिनका कोई अनुभव नहीं है इस बारे में, उसी एजेंसी को सरकार का 1 करोड़ रुपया दे करके उनसे सर्वे कराया गया। ये जाहिर करता है कि किस तरह से सिद्धरामैया की जो सरकार अर्बन नक्सलियों को प्रश्रय दे रही है। और उन्होंने 2013 से 18 के बीच में भी इन नक्सलवादियों का, अर्बन नक्सल तत्वों का उन्होंने जेल से छुड़ाया भी था और उनको ओपन द ग्राउंड लाए थे उस समय। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।